अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रायमा सिकंदर ऑफिशियल, और मैं हूँ रायमा सिकंदर। आज हमारा सफ़र आ चुका है अहमदाबाद की सरजमीन पर, और आज हम जो वीडियो लाए हुए हैं वो अहमदाबाद के शहंशाह जिनका नाम शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मज़ार पे इंशाल्लाह आज हाज़िरी दी हुई है। पूरी डिटेल से हम आगे पूरी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम इस गुजारिश है हमारे चैनल रायमा सिकंदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते रहे, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमेशा। गुजरात की सरजमीन पर अहमदाबाद में यहाँ के मशहूर बुजुर्गान दीन हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज आपसे बात करेंगे। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह को शाह आलम का लकब शेख बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। आप रहमतुल्लाह अलैह को मगरबिया सिलसिले की खिलाफत शेख मलिक नसीरुद्दीन अहमद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास से मिली हुई है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे गरामी का नाम हजरत सैयद बुरहानुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल्ला कुतुब आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा का नाम हजरत बीबी आमिना है। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 17 ज़िलक़द हिजरी सना 817 में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 16 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। पीछे ही आप जो मज़ार देख रहे हैं वो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है। इस मज़ार को बनाने वाले ताज पठान ताज के नाम से मशहूर है, उन्होंने ये जो है पूरा कंस्ट्रक्शन किया था। पीछे इस साइड देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन मस्जिद है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम मज़ार पाक की ज़्यारत करते हैं और उनका पूरी डिटेल्स हम लेने की कोशिश करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात जमादुल सानी हिजरी सना 880 में हुई। ईस्वी सना 1531 में आप रहमतुल्लाह अलैह की तुर्बत पर गुजरात के शहंशाह बहादुर शाह के एक अमीर ताज खान नीरपाली ने आलिशान मकबरा बनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक का काम लगभग 10 साल तक चला था। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का जो आप पीछे रोज़ा मुबारक देख रहे हैं, ये जो पूरा रोज़ा मुबारक है वो मोहम्मद ताज ने बनवाया था। और मेरे बिल्कुल ही पास में या जो रोज़े पाक है उसके बिल्कुल पास में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मीनारे वाली मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किसने बनाई थी और कितनी खूबसूरत मस्जिद है वो बनाई गई है। आप रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के सामने एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को मोहम्मद साले बदख्शी ने बनाया है और इस मस्जिद के मीनारे की तामीर नजाबत खान ने बनाई है। कहा यह जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को मदरसा पढ़ाया करते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, इसलिए मदरसा न जा सके। इस वजह से खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदरसा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए और तख्त पर बैठकर बच्चों को आगे का सबक पढ़ाने लगे। दूसरे दिन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में तशरीफ़ लाते हैं, बच्चों को सबक पढ़ाने लगते हैं और बच्चे आगे का सबक पढ़ने लगते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि पीछे वाले सबक किसने पढ़ाया? बच्चे कहने लगे आप ही ने पढ़ाया।
हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि खुद आका अलैह सलातो सलाम यहाँ पे तशरीफ लाए थे और बच्चों को ये सबक पढ़ाया है, और फौरन उस तख्त पर से उठ जाते हैं और अदब के खातिर उस तख्त को लटका देते हैं और आपके लिए दूसरा तख्त बनाया जाता है। आज भी ये दोनों तख्त मस्जिद पर मौजूद पाए जाते हैं।